दोस्तों अगर आप भी सैमसन और रिंकू को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बनकर संजू सैमसन ने अपना अवार्ड रिंकू सिंह को दे दिया और कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। सैमसन के बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या मानना है, सैमसन पंत और धोनी में सबसे बेस्ट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीतने के बाद आखिरकार जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज भारत ने आज जीत ही ली है। जीत तो हम पहले ही चुके थे, लेकिन 4-0 से जीतने का खिताब आज हासिल किया। सीरीज का 5वां मुकाबला था जो कि हरारे के मैदान में ही खेला गया। भारतीय क्रिकेट टीम दोस्तों पहले बल्लेबाजी कर रही थी। टॉप ऑर्डर की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 12-13-14 का आंकड़ा पढ़कर सब आउट हो गए थे। लेकिन एक खिलाड़ी जो सब पर भारी पड़ा वो थे संजू सैमसन। दोस्तों सैमसन ने 45 गेंदों में 58 रन की पारी खेली, 4 छक्के भी लगाए, 1 चौका भी जड़ा। और इतना ही नहीं दोस्तों, शिवम दुबे ने भी 12 में 26 रन लगाए, लेकिन सैमसन की पारी ने भारत की इज्जत को बचाया, वरना स्कोर 130 से नीचे रहता। हमारा स्कोर 167 बना सैमसन के दम पर, और अब 168 चेज करने थे जिम्बाब्वे को, जो कि वो कर नहीं सकते थे, क्योंकि दोस्तों हमारी गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग थी, मुकेश कुमार ने आते ही विजली नाम के खिलाड़ी को क्लीन बोल्ड करके बताया। इसके बाद बार्नेट को भी आउट उन्होंने किया 10 रन पर। वैसे ही दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम का संतुलन बिगड़ा हुआ है और विकेट उनके गिर चुके थे अर्ली। पावर प्ले भारत के नाम रहा, 5 ओवर में 30 रन ही दिए गए थे, जिसके बाद 90 गेंदों में 240 रन चाहिए थे। अब आप खुद ही समझदार हैं कि आगे भारत कैसे जीता होगा। दोस्तों ये जीत केवल कोई मामूली जीत नहीं है, हम हार कर जीते हैं। पहले मुकाबले को बुरी तरीके से हारने के बाद भारत इस तरीके से सीरीज जीत जाएगा, किसी को कानों कान खबर नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। हम 4-0 से सीरीज को तो आज जीत गए दोस्तों, लेकिन इस जीत के अंतिम मुकाबले मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन बने हैं, जिन्होंने बेझिझक इस अवार्ड को टीम और रोहित और कोहली के नाम कर दिया। और ये खिलाड़ी अपने बयान में चौंकाने वाली बात भी कह गया। दोस्तों आपको बता दें कि संजू सैमसन ने जीत के बाद अपने इस अवार्ड को टीम को समर्पित कर रोहित और कोहली पर कहा, अपने देश की जर्सी पहनकर जब भी कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसका केवल एक ही मकसद होना चाहिए, और मेरा भी यही था, अपने देश के लिए बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना। और ये सब कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में ही सीखा है, विश्व कप के दिनों में। भले ही मुझे टीम के लिए खेलने के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन रोहित और कोहली भाई को जब मैंने वहां देखा, टीम की यूनिटी को वहां पहचाना, तो पता चला कि मैदान में उतरकर आपको मौका मिले तो आपको अपना बेस्ट देना ही होता है। आज जब हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो मेरे दिमाग में रोहित भाई की केवल वही बातें घूम रही थी, और विराट भाई जैसी परफॉर्मेंस जिन्होंने लास्ट मैच में दी थी अपने T20 में, बस उन्हीं के नक्शे कदमों को फॉलो करता चला गया और पारी बड़ी बनती चली गई। मैं तो अब भी मानता हूं कि मैंने भारत के लिए आज कुछ ज्यादा नहीं किया, बस एक विनिंग नॉक ही खेला है। लेकिन ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये मेरा नहीं बल्कि टीम के सभी खिलाड़ियों की मेहनत का है, क्योंकि ये युवा टीम ही आगे चलकर हमारे देश को संभालेगी। अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी संभालूंगा। साथ ही साथ ये अवार्ड रोहित और कोहली भाई का भी है, जिन्होंने मेरे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन लाया और सबसे अच्छा भी। ये जीत वाकई में यादगार रहेगी मुझे। मेरे देश को जीत मुबारक हो, और ये अवार्ड मेरी टीम और रोहित कोहली भाई को। दोस्तों सैमसन का बयान बताता है कि वो कितने अहम खिलाड़ी हैं, दिल से भी और बल्ले से भी। बल्ला भी तब चला जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, और अवार्ड तो वो लुटा कर चले गए। साथ ही दोस्तों संजू सैमसन ने आगे अपने बयान में ये भी कहा कि ये अवार्ड जितना मेरा है उतना रिंकू सिंह का भी है। अंतिम ओवर में जिस तरीके से उन्होंने शिवम दुबे के आउट होने के बाद बाउंड्रीज लगाई, उन विनिंग शॉट्स ने भी हमारी टीम को जीतने में खासा मदद की है। ऐसे में रिंकू को भी जीत की बराबर की बधाई। दोस्तों सैमसन का दिल कितना बड़ा है, उन्होंने रिंकू को अवार्ड देकर बता दिया है। वैसे आप सभी उनकी इस पारी को, उनके बयान को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।